खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट वाहन चालक यूनियन लखनऊ के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में यूनियन अध्यक्ष रमेश कश्यप के नेतृत्व में अपर श्रमयुक्त कार्यालय 23 AP सेन रोड और लखनऊ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव श्रम को सौंपा गया। प्राइम के लिए उच्चनी के लिए खास रिपोर्ट खुर्शीद आलम लखनऊ। रमेश कश्यप उत्तर प्रदेश प्राइवेट वाहन चालक यूनियन के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों आज हम लोग 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के यहाँ लेबर ऑफिस 23 AP रोड पर धरना दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी हैं असंगठित कर्मकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो ड्राइवर हैं उनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा ये है कि 21,000 रुपये मानसिक वेतन हम लोग का तय किया जाए और मोटर कर्मकार 1961 जो कि उसमें व्यवस्था है 8 घंटे काम करेंगे उसके बाद 8 घंटे आराम के हैं और वर्दी की व्यवस्था है और जहाँ अपार्टमेंट है टेम्पो स्टैंड है या जहाँ भी वहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था उस नियम में दिया हुआ है जो कि श्रम विभाग को आदेश करना और परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इसका पालन करवाएगी। दूसरा हमारा है अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान, मतलब ओवर टाइम की एक मांग है, प्रक्रिया को लागू किया जाए। और हमारे जो परिवहन सेक्टर के जितने भी परिवार हैं दुर्घटनावश जैसे चालक की मृत्यु हो गई या कोई समस्या इस प्रकार से आ जाती है उसमें हम चाहते हैं कि उनके परिवार को शिक्षा और आवास की गारंटी सरकार दे। इस श्रम कार्ड के पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया गया जिसका पूरे देश में डंका पीटा गया, उसका जो है एक प्रकार से इनको सम्मानित भी किया गया उत्तर प्रदेश के जो भी चीफ सेक्रेटरी हो रहे, मगर एक प्रकार से देखा जाए तो उस ई श्रम में जो घोषणाएं की गई थी चुनाव के समय उसको इन लोगों ने शासनादेश आज तक नहीं जारी किया गया। मैं चाहता हूं ये हम सब चालक भाइयों के असंगठित क्षेत्र की ये मांग है कि शासनादेश जारी किया जाए और 5 लाख का जो कैशलेस इलाज की जो बात कही गई थी उसको लागू किया जाए जिससे यदि कोई भी एक्सीडेंट या कुछ होता है तो उसमें उनको इलाज में सहायता मिल जाए। यदि उनकी मृत्यु हो जाए चालक की हो या उस गाड़ी में भी जो भी व्यक्ति हो उसको भी 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए और तत्काल मिलना चाहिए। और हमारा एक असंगठित कर्मकार बोर्ड गठित हुआ था 2008 में, उसकी नियमावली बनी और लागू भी किया गया मगर कुछ समय के लिए, जो राज्य सामाजिक सुरक्षा के बोर्ड के नाम से जाना जाता है उसमें इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तुरंत ये श्रम आया उसको बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि जो बोर्ड के जो काम थे उसको लागू किया जाए और प्रभावी ढंग से वो कार्य करें। ई श्रम अपनी जगह नियमावली बने, इसके अपनी जगह नियमावली बने और कंपनियों में जैसे टेल्को है हमारी, यपको है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारी हैं लखनऊ में, इन सब में वर्दी की व्यवस्था लागू की जाए तथा ग्रेजुएटी। हम रामेश्वर प्रसाद यादव AITUC के जिलाध्यक्ष लखनऊ और ये संगठन उत्तर प्रदेश प्राइवेट वाहन चालक यूनियन जो है हमारे संघ से एफिलिएट है, संबद्ध है। हमारे रमेश कश्यप जी इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमित यादव महामंत्री हैं। तमाम दिनों से सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देने की बात कर रही है लेकिन दिया अभी तक कुछ नहीं। न्यूनतम वेतन की बात चल रही है, सामाजिक सुरक्षा की बात चल रही है, मोटर परिवहन नियमावली बनी 1961 में उसके तहत जो सुविधाएं देने की बात की गई सरकार अभी इस पर नियमावली नहीं बना पाई है और न ही इनको कोई लाभ मिल पा रहा है। इसलिए आज यहाँ पर लखनऊ के अपर श्रमयुक्त कार्यालय पर सभी लोग इकट्ठे होकर के अपने मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं और 9 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं कि हमारी मांगों पर शीघ्र विचार करके निर्णय किया जाए और हम लोगों को 9 मांगों में सभी मांगों पर विचार किया जाए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमको लाभ दिलाया जाए। आज इसलिए धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर गौर करें, ध्यान दें और ये हमारी आवश्यकताएं हैं वाहन चालकों की।
इसे वो जल्द से अपने संज्ञान में लें और उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आवश्यकताएँ हमारी और हम लोग बहुत सालों से लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए।